ये तो मुझे देखना पड़ेगा जितना भी। तो ऐसा ही रिएक्शन हुआ मैम अब कुछ टाइम पहले, तो रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पर भी चला रहा रील्स बना रहा था, एनीमे देखा भाई एनीमे इतना तगड़ा लगा है, मैंने कहा इसे जरूर देखना। तो इंस्टाग्राम एनीमे उसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस एनीमे का नाम है ट्रू ब्यूटी। भाई लिटरली बता रहा हूँ, इस एनीमे के अंदर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो हमेशा की तरह हर एनीमे में होता है, बट ज़्यादातर में लड़की ही दिखाई जाती है। तो इस एनीमे भी ऐसा ही है, बट ये जो लड़की होती है और एनीमे की लड़कियों की तरह क्यूट नहीं होती, ये थोड़ी अलग होती है, ये थोड़ी बदसूरत होती है। इसके रिंकल्स होते हैं फेस पर और ये चश्मे वगैरह पहनती है। इसके स्कूल में इसे बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, जैसे एक बंदा नहीं होता उसकी खिंचाई करते काफ़ी सारे लोग मिलकर ऐसे इसके करते हैं, तो इसका मजाक बनाया जाता है। इस लड़की को हैवी मेटल सुनना पसंद है, ठीक है, जो काफ़ी अजीब बात है लड़कियों पे, ठीक है। तो ये इसका मजाक बनाया जाता है, जो भी इसे बुली करता था उसे इस पर तरस आ जाता, वो इसकी मदद करते था, तो उस पर ट्राई करती है और सभी लोगों को पता चल जाता, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती थी, क्यों कर लिए ट्राई करती है। उसी के बीच में एक लड़की से इसकी हाथापाई हो जाती है, जो इसके फेस पर स्क्रैचेस वगैरह मार देती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब घबरा जाती है वो लड़की भी। और फाइनली उसके जो पेरेंट्स है, जिस लड़की पे स्क्रैच मारा था उसके घर वाले आ जाते हैं और जो हमारी लड़की पर सोलह लड़की उसको स्कूल में से निकाल देते हैं और वो घर आ जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है तो स्कूल नहीं जाना, बट उसमें मुझे तो मानना स्कूल में ट्रांसफर हो गया। वो अपने कमरे में जाती है और एक वीडियो देखती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि मेकअप वगैरह के बारे में। तो मेकअप पहली बार वो लगाते तो वो सूरत के बाद में वो उसे लगाना सीख जाती है और वो नए स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, वहीं पर उसे वहाँ पर काफ़ी उसकी नई फ्रेंड्स बनती है और एक नया लड़का दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू सा होता है, बट उसे उसकी रियलिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो हैवी मेटल सीखती है और ये दिखने में बेच के, तो उसे थोड़ा सा परेशान करता है। उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है, बीच में हमको एक और बंदा दिखाया जाता जो उनके स्कूल में पढ़ता था वो भी, लेकिन वो एक गैंग में रहता है। यूजली ये दो लड़के आपस में पहले दोस्त थे, ये तीन दोस्त थे, तो उनके बीच में कुछ हो गया जिसकी वजह से इनकी लड़ाई हो गई। अब ये दोनों का ट्रीटमेंट कंपलन करता और उस लड़की को दोनों को पसंद करती है, उससे ऐसा नहीं पता। तो एक दिखाया गया इस एनीमे के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा, तो इस एनीमे को मैंने देखा और